मॉर्निंग आप देख रहे हैं इंडिया 24 हिंदुस्तान लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। वक्त हो चला है दिन की बड़ी खबरों का, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। बागपत में बिना अनुमति दाढ़ी रखने वाला दरोगा निलंबित। देवबंद के उलेमाओं ने एसपी के खिलाफ खोला मोर्चा। मुजफ्फरनगर में फैमिली कोर्ट का अनूठा फैसला। पति को हर महीने 2000 रुपए का गुजारा भत्ता दे पत्नी। विशेष शक्ति के तहत आगरा की महिलाओं बालिकाओं से आज वर्चुअल संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भैया हत्याकांड में 7 महिलाओं ने वीडियो जारी कर दी आत्मदाह की चेतावनी। मेरठ में 14 महीने बाद तेल का जन्म फिर बोतल से बाहर। गिरफ्तारी के बाद जेल पहुंचा माफिया। यूपी में हिस्ट्री सीटर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। दर्जन 10 आपराधिक मामले। देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा ग्रेटर नोएडा। दिल्ली में 306 रही वायु गुणवत्ता। त्योहार का उपहार यात्रा भत्ते के बदले नगद भुगतान करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली दंगा को लेकर अदालत ने माना ताहिर हुसैन ने लोगों को भड़काया। जो दे सकते थे किसी की भी जान। जिगोलो और फ्रेंडशिप क्लब के नाम पर सैकड़ों से ठगी। 12वीं पास जालसाज गिरफ्तार। विक्रुपान में आरोपी शिवम दुबे की जमानत खारिज। हत्या डकैती समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ कुर्की का नोटिस। 45 साल पुराने मामले पर आया आदेश। कोरोना पर हाईकोर्ट सख्त। बिना मास्क न निकले कोई हर सड़क गली मोहल्ले की निगरानी करे पुलिस। पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडरों को नहीं देना होगा स्टाम्प शुल्क। अलीगढ़ सहित प्रदेश के 20 थानों में सीएम आज शुरू करेंगे महिला हेल्प डेस्क। कैश कलेक्शन मैनेजर की हत्या करने वाला बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। गोली लगने से हुआ घायल। माध्यमिक शिक्षा के 3317 चयनित अभ्यर्थियों को आज मिलेंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी 5 अभ्यर्थियों को देंगे लेटर। एक दिन के डीएम ने रिश्वत लेने के आरोपी बाबू को गिरफ्तार कर लेने की अनुमति। हाथरस कांड में जातीय हिंसा फैलाने की साजिश का क्या है सच। एसटीएफ ने देखे रिपोर्ट। शादाबाद के दफ्तर भी गिरफ्तार। डीजीपी मुख्यालय ने मांगा अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए पुलिस कर्मियों का ब्यौरा। पहले भेजे पत्र पर जवाब न मिल पाने के कारण आज गोरखपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करेंगे महानिशा और शस्त्र पूजन। ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की दी ट्रेनिंग मुख्य सचिव ने कहा। फरुखाबाद में फर्जी पते से एक और युवक सेना में हो गया भर्ती। जांच में खुला मामला। सपा ने शुरू की 2022 की तैयारी। दावेदारों की तलाश शुरू। मांगी आवेदन। बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी आज हिसुआ और कहलगांव में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आरजेडी नेता तेजस्वी के साथ साझा रैली आज। बिहार में महानंदा एक्सप्रेस में छात्रा से छेड़खानी। आरोपी के पास मिले 58 लाख रुपए। गिरफ्तार। 48 घंटे में धान का मूल्य भुगतान करने के निर्देश। सत्यापन न करने वाले लेखपालों पर होगी कार्रवाई। यूपी में बाढ़ प्रभावित 19 जिलों के किसानों को मुख्यमंत्री योगी ने दिया 113 करोड़ का भुगतान। केंद्र सरकार ने काटे बिजली के बकाए 1417 करोड़ रुपए। सीएम सोरेन बोले यह असंवैधानिक है। गुजरात के सूरत में बीजेपी नेता पीवीएस शर्मा के घर आयकर विभाग की रेड। मुंबई के नागपाड़ा के सिटी सेंटर मॉल में लगी भयंकर आग। दो दमकल कर्मी घायल। सीरिया के नॉर्थ वेस्ट में अज्ञात ड्रोन हमले में मारे गए 6 जिहादी नेता। दुबई ने बनाया सबसे बड़े फाउंटेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 105 मीटर लंबा रहा सुपर शूटर। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी कल गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। अमेरिका में USFDA ने कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए रेमडेसिविर थेरेपी को मंजूरी दी। पटना में बसपा प्रमुख मायावती आज बिहार में 2 जगह चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। मुंबई में बीजेपी छोड़ने वाले एकनाथ खड़से आज एनसीपी में होंगे शामिल। हरियाणा में कोरोना के 1128 नए केस जबकि 1292 मरीज हुए डिस्चार्ज। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। अपने कानूनों से हटाएगी पंजाब का नाम। असम में कोरोना के 508 नए केस। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 2,03,282। केरल के कोझिकोड में 2 मंजिला इमारत गिरने से 1 की मौत। झारखंड में कोरोना के 549 नए केस। अब तक राज्य में 98,610 लोग संक्रमित। जयपुर में पुलिस ने IPL सट्टेबाज गिरोह को पकड़ा। 4 गिरफ्तार। 4 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। राजस्थान में 14 IAS अफसरों को मिला दिवाली का तोहफा। पदोन्नत होकर IAS बने। मुंबई के नागपाड़ा क्षेत्र के मॉल में लगी आग। दंपति 8 गाड़ियां लगाई गई। चीन की शामत भारत अमेरिका 2+2 बैठक में LAC पर होगी चर्चा। BCA पर अहम निर्णय। CSK पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा। MI के खिलाफ जीत जरूरी। अच्छी शुरुआत के बाद फेल हो रहे संजू सैमसन टीम के लिए बने से दर्द हो रही है आलोचना। IPL 2020 को लेकर मनीष विजय की शक्तीय साझेदारी। राजस्थान को हरा कर SRH प्लेऑफ की दौड़ में शामिल। पहली ही फिल्म के लिए जायरा वसीम को मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार। मजहब के लिए छोड़ दी थी एक्टिंग। अंकिता लोखंडे के डांस वीडियो पर भड़के सुशांत के फैंस। यूजर बोला ये करना जरूरी है अभी। प्रियंका चोपड़ा की
अगली फिल्म OTT पर रिलीज के लिए तैयार, साथ ही हीरो राजकुमार राव भी की तारीफ। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए।